चाहे सांप्रदायिक शक्तियां भाईचारे को जो तोड़ना चाहती है, अमन चैन शांति नहीं बल्कि बंटवारा और तनाव का वातावरण लगातार जो है बनाई जा रही है। जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके जो जहर फैलाने की जो बातें हैं वो किया जाता है। जो असल मुद्दे हैं बिहार में, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, गरीबी है, आप देखिएगा चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, जातीय जनगणना है, इस पे कोई भी मौजूदा सत्ता में बैठे लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, चर्चा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, चर्चा कर रहे हैं लाउडस्पीकर की, चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर की, लेकिन जो वाकई में जिससे लोग तकलीफ में हैं, तनाव में हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम विपक्ष में हैं, हम मजबूत विपक्ष हैं, और हमारा कर्तव्य है कि जो जनता के सवाल हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उसको हम उठाएं और उन मुद्दों को लेकर के हम सड़क पे संघर्ष करें। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कल जातीय जनगणना को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो इसमें हमने कहा था कि अब कोई उपाय नहीं बचता है कि हम लोग जो हैं पैदल चल करके पद यात्रा करके दिल्ली कूच कर बेरोजगारी के सवाल पे और जाति जनगणना के सवाल पे। अगर पूर्व में जाइएगा तो 2011-12 में लालू जी के प्रयास से उस समय की जो यूपीए 2 की सरकार जो थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि कोई डेटा जो है इसका खराब हो गया है और इस वजह से जो है पब्लिक डोमेन में इसको नहीं रखा जा सकता। उस समय भी लगातार लालू जी ने इस बात को लेकर के संघर्ष किया और राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के संघर्ष के बदौलत ही बिहार में 2 बारी बिहार विधानसभा और परिषद में प्रस्ताव भी पारित हुआ। जब यह पार्लियामेंट में सवाल आया, जब भारत सरकार के मंत्री ने उत्तर में जवाब में दिया कि वो नहीं कराएगी, तब हम लोग बिहार विधानसभा में उस समय मुख्यमंत्री के सामने हमने प्रस्ताव खुद रखा था खड़े होकर के, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने एक डेलीगेशन लेकर के, मानते हैं तो ठीक है वरना दूसरा प्रस्ताव ये था कि राज्य सरकार जो है अपने बलबूते पर जो है जातीय जनगणना कराए और सब सर्वसम्मति सब दल के लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले और अपनी बात को भी रखा और इस बात से मुख्यमंत्री भी सहमत थे। जिस बात को हमने बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हाँ ये देश हित का मामला है और ये होना चाहिए। और ये भी उसके बाद भी जब भारत सरकार ने मना कर दिया, फिर हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से पूछा भाई कब कराओगे, हम ऑपोजिशन का डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री के चैम्बर भी गए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले और मुख्यमंत्री जी ने बोला ठीक है ऑल पार्टी मीट जो है वो बुलाएंगे। अब आप देखिए ऑल पार्टी मीट का तो उस समय कोई मतलब ही नहीं रह जाता था,
लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कह रहे थे बुलाएंगे सबको, बात करेंगे। अब कितने महीने हो गए, यानी साफ तौर पे ये दिखाता है कि आखिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है, और क्या महत्व रह जाएगा सेंटिमेंट का, जब दो बारी बिहार विधान परिषद और सभा से पारित किया गया सर्वसम्मति से, क्या महत्व रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये जो डीले टैक्टिक्स, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री बार बार डीले करने का जो टैक्टिक्स जो चल रहे हैं, ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि इस मामले को वो दबाना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जिस संकल्प के साथ चले थे, जो संघर्ष हुआ, उसको सही में उंगली जामा पहनाना हम लोगों का फर्ज है। आखिर कौन सी, हमारा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि भाई आखिर कौन सी ऐसी कठिनाई है जो आप जातीय जनगणना को लेकर के आप सभी से बात नहीं कर रहे। और माफ कीजिएगा, ये कोई विपक्ष जातीय जनगणना नहीं करा सकती, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। जो सत्ता में है वो सरकार ही करा सकती है। और आपके कमिटमेंट के बाद भी बिहार विधानसभा में अगर ये नहीं होता है तो कौन विश्वास करेगा इस संस्था पे, कौन विश्वास करेगा। एक पद की गरिमा होती है, मुख्यमंत्री कोई बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य में अगर कमिट करते हैं लोगों से कराएंगे तो क्या महत्व रह जाएगा। आखिर क्या कारण है, क्या कठिनाई है। हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि भाई सभी लोगों से जो है बात करें, पर सब लोगों से क्या बात करना, उनको तो कम से कम कैबिनेट मीटिंग बुलानी है और कैबिनेट में पारित करना है। कैबिनेट में बुला करके भाई एक कैबिनेट जो रेजोल्यूशन पास करना है, और उसमें क्या स्टडी है सब कुछ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि और जो राज्य है साउथ में हो या अनेक राज्य हैं, उन्होंने अपने राज्य खजाने से जाति जनगणना कराई है, वो मॉड्यूल भी दे दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया, तो उनको तो बात करनी चाहिए। और हमको भी कोई हिचक नहीं है, हम छोटे हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के, और हम तो प्रधानमंत्री तक लेकर के लोगों को, ये हमारा ही प्रस्ताव था। तो मुख्यमंत्री जी सब लोगों से बात करें, अपने स्थिति को स्पष्ट करें, एक क्लियर बात बताएं कि भाई क्या करना चाहते हैं, या करना भी चाहते हैं तो कब तक करेंगे। और हम बार बार मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आपका यही मॉडल चला बिहार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, अब बिहार विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं चाहिए। अद्भुत है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई नीति आयोग का रिपोर्ट में सबसे अगर फिसड्डी राज्य बिहार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन वहीं दो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत ही नहीं। ये कैसे सरकार चल रहा, ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं भाई, लोगों को आपका उत्तरदायी है, जवाबदेही है कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए, आप बताइए कि आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो कब करेंगे। इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए,
अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। और हम लोग देखिए कोई डीले टैक्टिस इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं है, हम इनके बहकावे में झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं यहां उपस्थित हैं और देखते हैं, इंतजार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को। एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं जब सर्वसहमति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीजों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। और हम सब लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना को दम खम से हम लोग उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का जो सवाल है आपने देखा ही होगा प्रश्न किस प्रकार से लीक हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि पेपर भी लीक हो रहा है भाई बीपीएससी का। अब बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा। हमने तो यह भी मांग किया था कि उन छात्रों को जो दूर दराज से है कम से कम 5,000 मुआवजा दीजिए, और कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेवारी तय करेगा। अगर सरकारी नौकरी से किसी का उम्र खत्म हो जाता है इनके पेपर लीक और परीक्षा रद्द बार बार रद्द से, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए कि जितना समय बर्बाद हुआ है अगर उम्र खत्म हो जाती तो उनको सरप्लस टाइम आगे जो है उन छात्रों को अकोमोडेट करके मिलना चाहिए। यह सरकार को नीति बनानी चाहिए। यह बात हमने पिछले अपने मैनिफेस्टो में भी जो हमारा संकल्प था इसमें भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि बार बार बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से रिजल्ट देरी होने के कारण जो छात्र छात्राओं का उम्र खत्म होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। बेरोजगारी है हर जगह जो है, लाठी डंडा चल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। तो इन सारे मसलों को लेकर के हम लोगों के पार्टी में सभी सीनियर वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने संकल्प उठाया था। अब बताए भाई भाजपा के लोग 19 लाख रोजगार कब देंगे, ये डबल इंजन की सरकार है। कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट तक पूरा नहीं कर पाते ये लोग। अवुल जुलूल बयान जो है जिसका कोई मकसद नहीं है वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है, बयान दिलवाया जा रहा, दिया जा रहा,
सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं कोई मंदिर पे झंडा लगा रहा है और मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हाथ लगाया कि बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो निर्णय तो लेना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में कि मुद्दे पे बात नहीं होती, मुर्दों पे बात हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो केवल समाज को बांटने का काम करता है। इन सारी चीजों पे चर्चा चलती है। तो इसलिए हर एक विषय को लेकर के जो देश के हालात हैं, जो बिहार के हालात हैं, सभी लोगों के साथ पार्टी में मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाहियों की नजर हर एक जगह है, हर किसी पर है, और जो बिहार के हित में है, जो देश के हित में है, उसको हम लोग उठाने का काम करते हैं। और आप बताइए कि एक कॉलम लालू जी ने तो केंद्र सरकार से, जब हम बिहार सरकार में भी नहीं थे और केंद्र सरकार में भी नहीं थे यूपीए 2 में, तब एक सांसद के रूप में जो है लोगों ने सोशो इकोनॉमी का कास्ट सेंसस करवाया यूपीए 2 में, लेकिन यहां इन्हीं की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी। बिहार में तो पूरा अपने चाहे तो भाई अपने खर्चे पर सरकार निर्णय ले ही सकती है, देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में तो हो सकता है। या तो एक कॉलम जुड़वा दे अपने सहयोगियों को बोल करके, सहयोगी क्या, खुद पार्ट है भाई, आरसीपी सिंह मंत्री हैं केंद्र में, करवा ले कि नहीं करवा पा रहे हैं, एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा नहीं होना कुछ भी। अब तो आसाम में जाके गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐप बनेगा, ऑनलाइन जो है वो सर्वे करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। रे भाई अगर एप्लीकेशन भी बन रहा है तो एप्लीकेशन में भी एक कॉलम जुड़वा दीजिए, एक कॉलम तो जुड़ ही ना सकता एप्लीकेशन में, जो खर्चा है और साइंटिफिक डेटा तो होना ही चाहिए, पता तो चलना ही चाहिए, तो उस एप्लीकेशन में एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा भी जीरो रहेगा। या तो वो करवा लें, या तो राज्य सरकार या नीतीश कुमार जी कैबिनेट में ला करके प्रस्ताव जो है वो पारित कर दें, नहीं तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बोल दे कि हम बड़े कमजोर हैं, हम पे भारी दबाव है, हम अपने कुर्सी के लिए कुछ नहीं कर सकते, यही बोल दे। लेकिन हमको इंतजार रहेगा कि 48 घंटे और 72 घंटे के अंतर हमको समय देते हैं कि नहीं देते हैं, अगर समय देते हैं तो हम जाकर के जो बिहार की जो भावना है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उस बात को जो है सारे बिहार के लोगों के ओर से, हम जो है सभी विपक्ष की ओर से, हम जो है अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उनको बोलेंगे भाई निर्णय लीजिए, वरना हम अगला हमारी दल और विपक्ष के लोग अलग, हम लोगों का क्या रुख होगा, क्या आने वाला होगा, उस पर हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो और कोई सवाल अगर वगैरह है, अरे इससे रिलेटेड सवाल करिए, इससे रिलेटेड है, चालुकुल के मामले आते रहते हैं, तो इसी में ना हम बोले ई सेंसस क्या होगा, ऑनलाइन होगा या तो ऐप पे होगा या कुछ होगा, तो जो भी होगा तो सवाल तो पूछे गए होंगे ना, कॉलम सर्वे करता है तो उसका क्वेश्चनियर बनता है, तो उसी क्वेश्चनियर में एक ना कॉलम जोड़ना है, यानी खर्चा जीरो होगा। अगर मुख्यमंत्री जी कितनी चलती है
तो करवा दे। मतलब कल्याण देश हित वाली चीजें जल्दबाजी नहीं है, और लाउडस्पीकर वाली क्या जल्दबाजी थी, बुलडोजर वाली क्या जल्दबाजी है रे भाई, इतने दिन से आप चैन से नहीं थे क्या? यहां लोग एक एक दिन कोई भीख मांग रहा है, कोई भूखे पेट सो रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई नाला साफ करने वाला है, रिक्शा साफ करने वाला है, एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है, क्या आप उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं दिलवाओगे? क्या आप उनसे लगातार नाला साफ करवाइएगा, रिक्शा धोवाइएगा, भूमि ही नहीं रखिएगा, एक कमरे में ही बसर करे, या जो भीख मांगता है मंदिर मस्जिद के बाहर भीख ही मंगवाइएगा? एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है। एक दिन कोई नाला साफ करके दिखाए सत्ता में बैठा हुआ लोग, एक दिन कोई मंदिर मस्जिद के बाहर भीख मांग के दिखाए। तो बोल ही दिए, तो बोल ही दिए। ये तो हम बोल ही दिए, हम तो 48-72 घंटे का समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि हमको बुलाएं, वरना आगे की रूपरेखा हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें कोरोना क्या क्या है, सब बहाना है। बिहार विधानसभा चला ना, शादी ब्याह हो रहा है, लगन हो रहा है, आप या हम कोई मास्क लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग है? आप लोग तो एक के ऊपर चढ़े हुए, क्या बात कर रहे हैं भाई। निर्णय ही ना लेना है, निर्णय लेने के लिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा सकती है, ये सब बहाना नहीं चले। एक उनका आखिरी ले लीजिए, कहाँ राष्ट्रपति चुनाव, हम तो जिस चीज के लिए दबाव बनाना चाहते हो तो स्पष्ट कर दी। इतना विस्तार से नेता प्रतिपक्ष